टोयोटा फैमिली, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आज डे 43 है हमारी वेट लॉस जर्नी का। तो अभी बच गए हैं 11 और मैं ले रही हूँ ये जूस। ये है लौकी और चुकंदर का जूस, जिसमें मैंने हाफ ऑफ लेमन स्क्वीज किया है और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाला है। बहुत ही रिफ्रेशिंग है, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। अपने डाइट में इस तरह से अपना दिन की शुरुआत करना एक हेल्दी जूस के साथ बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है। 12 बजे दिन का मैं पहला मील ले रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिए हैं ओट्स। ओट्स के अंदर मैंने कोई शुगर वगैरह नहीं डाला है, नॉर्मल मिल्क और वाटर के साथ में बनाया है। ऊपर से थोड़ा सा बिना शुगर वाली मूसली डाली है और कुछ मिक्स्ड सीड्स स्प्रिंकल किए हैं, जिसमें है हमारे पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी ब्रेकफास्ट है, इसमें कोई शुगर वगैरह का यूज़ नहीं किया है। ऊपर से थोड़ा सा एकदम कुछ ड्रॉप्स हनी की डाली थी, दैट्स इट। और मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ। पहला मील मैं 12 बजे लेती हूँ, दूसरा मील जो है मैं 3 बजे के आसपास ले लेती हूँ, और लास्ट मील जो है मैं वो 8 बजे लेती हूँ। 8 घंटे का ईटिंग पीरियड रहता है, 16 घंटे की फास्टिंग रहती है। आप 10 घंटे का ईटिंग पीरियड या फिर 12 घंटे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगता है। किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि क्या 10 घंटे का ईटिंग पीरियड सही रहेगा इंटरमीडिएट फास्टिंग में, तो हाँ वो बिल्कुल सही रहेगा, आप अपने सहूलियत के हिसाब से कर सकते हैं। और ये डाइट सच में बहुत इफेक्टिव है। मैंने 13 किलो वज़न अपना कम किया है PCOS में इसी डाइट को फॉलो करके। तो अभी बज रहे हैं 2 और मैंने ले लिया है वाटरमेलन। एकदम रेड रेड मीठा मीठा सा वाटरमेलन था, ये बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग था। अब तो समर्स आ गई हैं, तो इसे अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करो। ये मोस्टली वाटर बेस्ड होता है, कैलोरीज भी कम होती है, एकदम रिफ्रेशिंग होता है, आपको बहुत टाइम तक फुलफिलिंग फील करवाएगा। और जो भी सीजनल फ्रूट्स एंड वेजेज आती है आप ज़रूर खाओ, सभी खाओ। जो नेचुरल स्वीटनेस होती है ना फ्रूट्स में, वो आपकी बॉडी को हार्म नहीं करती है, बस रिफाइंड शुगर नहीं खाना है। अभी 3 बज गए, लंच का टाइम हो गया। तो लंच में मैं ले रही हूँ सैलेड, तो इसमें मैंने कॉर्न डाला है, अनियन डाले हैं, कुकुम्बर डाला है, टमाटोज डाले हैं, और ऊपर से मैं ड्रेसिंग डाल रही हूँ। तो ड्रेसिंग में है हमारा कर्ड। कर्ड को जैसे मैंने पतला सा अच्छे तरीके से फेंट लिया है, उसमें डाला था मैंने ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, ब्लैक सॉल्ट और ब्लैक पेपर, और थोड़ा सा लेमन स्क्वीज किया था, हाफ ऑफ लेमन। तो बहुत ज़्यादा ईजी है, आप चाहो तो ऑरिगेनो वगैरह आपके पास नहीं है तो स्किप भी कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा ईजी अच्छी ड्रेसिंग लगती है। आपके पास मिंट अगर पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हो, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट देता है इसमें। और सभी को मिक्स कर देंगे और हम अपना ले लेते हैं अभी लंच। तो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है और बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग भी होता है और टेस्टी भी उतना ही होता है। और मेरा गला अभी एकदम ख़राब हो चुका है, तो आवाज़ आपको बहुत ज़्यादा गंदी सी आ रही होगी, सो माइंड मत करना इस चीज़ को, आई एम रियली सॉरी फॉर डैट। जब ये वीडियो जिस दिन की थी उस दिन मेरा गला एकदम ठीक था, पर अभी वॉइस ओवर मैं बाद में कर रही हूँ, मतलब 2 दिन बाद कर रही हूँ, तो अभी मेरा गला एकदम बैठ चुका है। मेरे को काफ़ी कोल्ड है और थोड़ा हल्का फीवर भी है, तो इसलिए थोड़ा आवाज़ ऐसे आ रही है। तो होप सो कि ये क्लियर होगी मेरी वॉइस आपको। 5 बज रहे हैं और मैंने ये ब्राउन राइस केक हैं जो अनसॉल्टेड और नो शुगर वाले हैं, ग्लूटेन फ्री। तो मैंने इसके ऊपर ये डार्क चॉकलेट और पीनट बटर को मेल्ट करके लगा दिया है। इसको मैं फ्रिजर में रखूँगी कम से कम 20 से 30 मिनट के लिए, उसके बाद में खाएंगे और आपको दिखाऊँगी। और ये चॉकलेट डार्क चॉकलेट है, 70% डार्क है, गैलेक्सी फ्यूजन। और ये पीनट बटर भी जो है वो अनस्वीटेंड है और एक क्रंची पीनट बटर, इसलिए छोटे छोटे पीनट के पीसेस भी दिख रहे होंगे आपको इसमें। तो चलो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ फिर, ठीक है। मैंने इसको करीब 20 मिनट के लिए फ्रीजर में रखा था और ये एकदम सॉलिड हो गया था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। कभी कभी कुछ थोड़ा बहुत ऐसा मंचिंग करने का मन करे तो आप इस तरीके से हेल्दी चीज़ें बना करके खा सकते हैं। मैं हमेशा अपनी रेसिपीज़ में कुछ ऐसा ट्राई करती हूँ कि वो डाइट के लिए भी अच्छा हो और वो आपकी क्रेविंग्स को भी सेटिस्फाई करे। और मैं गला ख़राब होने के बाद भी और तबीयत ख़राब होने के बाद भी रोज़ वीडियो अपलोड कर रही हूँ आपके लिए, रेगुलर होने की कोशिश कर रही हूँ पूरी तरीके से। तो इस बात के लिए पक्का से लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे, हेल्पफुल लगे तो। और यहाँ पे मैंने डिनर ले लिया है, जिसमें मैंने लिए हैं 2 छोटे साइज़ के पराठे, प्याज के पराठे। इसको एक्चुअली मैं रोटी ही कहूँगी क्योंकि मैंने इसमें ऑयल तो एकदम मतलब नामात्र यूज़ किया है, कुछ ड्रॉप्स ऑफ बस थोड़ा सा घी यूज़ किया था, दैट्स इट। और साथ में भुज्जी है, ये पनीर की भुज्जी है, दही है और ये ग्रीन चटनी है धनिया और मिर्च की। तो आज के लिए बस इतना ही।